हेलो गाइस, वेलकम बैक जैक्स अंबानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो हम बात करेंगे एलिड सिरप के बारे में, इसके बारे में क्या इसके डोज होती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इस कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिएगा। चलेगा, शुरू करते हैं वीडियो। एलिड सिरप जो होता है इसको सिप्ला कंपनी बनाती है। अंदर जो कंपोजिशन होता है वो सिट्राजिन होता है 5 mg/5 ml, यानी 5 ml में 5 mg होता है, यानी 5 mg होता है। अगर इसकी एमआरपी की बात करें 19 से 20 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी की। जो सिट्राजिन होता है एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का होता है, 5 साल से जो हिस्टामिन रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और जो भी हमारी बॉडी में एलर्जी हो रही है, किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, रेड रेड हो रहा है, तो स्वेलिंग वगैरह आ रही होती है तो उसको कम कर देता है। अब गाइस, अगर बात करें इसके यूजेस की, तो इसके यूजेस से एलर्जी में यूज किया जाता है इसको। स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है, लाल लाल सा हो जाता है, चकदे चकदे पड़ जाते हो, उसको कम करने के लिए इस सिरप को यूज किया जाता है। ये सिरप जो है रिएक्शन काटने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर किसी मेडिसिन से किसी उससे रिएक्शन आ जाता है, चेहरे पे जो लाल लाल चकदे टाइप के पड़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए भी इस सिरप को यूज किया जाता है। अगर किसी को खांसी हो, जुकाम वगैरह होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, आंखों से पानी वगैरह आता है, आंखों में एलर्जी वगैरह होती है, गले में एलर्जी वगैरह होती है, तब भी इसका यूज किया जाता है। ये फेफड़ों में किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो उस एलर्जी को कम करने के लिए भी सिरप का यूज किया जाता है। ये तो गाइस मैंने बताया इसके यूजेस के बारे में। अब गाइस बात करें इससे साइड इफेक्ट। ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है, इससे डिजीनेस वगैरह हो सकता है, इससे जो थोड़ा नींद वगैरह आती है टेबलेट को लेने के बाद। अब गाइस बात करते हैं कौन कौन इसको नहीं ले सकता या कब कब इसको नहीं लेना है। अगर कोई ज्यादा छोटा बच्चा है तो उसको नहीं देना चाहिए, उसको नहीं दिया जाता है। ड्राइविंग करने से पहले इस सिरप को नहीं दिया जाता है। एल्कोहल के साथ में इस सिरप को नहीं दिया जाता है। अगर प्रेगनेंसी में अगर आप दे रहे हैं इस सिरप को या सिट्राजिन को, अगर प्रेगनेंसी में दे रहे हैं तो डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले रहे, डॉक्टर की एडवाइस से ही देना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं डोज की। जो इसकी डोज होती है 10 से 20 mg रोजाना दे सकते हैं या हर 12 घंटे पे सुबह शाम में दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जो इसको ज्यादातर एडवाइस करते हैं वो रात को सोते टाइम दिया जाता है। रात को सोते टाइम देने से इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है, इससे थोड़ा नींद भी आती है। रात को सोते टाइम देते हैं तो इससे चक्कर वगैरह भी थोड़ा कम आते हैं, पेशेंट जो आराम से सो जाता है और उससे जो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। ये गाइस मैंने आपको बताया एलिड सिरप के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।